सभी जन को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को ब्रह्मा कुमारीज के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में हर्षोल्लास से योग दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से रत्ना नारायण देव, एल्डरमैन नगर निगम दुर्ग डॉक्टर अजय गोवर्धन, विनोद जैन, मदन सोनी, किशोर जैन, ब्रह्म कुमारी रीटा बहन, चैतन्य प्रभा बहन उपस्थित थे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने बताया कि जैसा नाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका उद्देश्य सभी जन को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य सब हो तो इसे ही संपूर्ण स्वस्थ कहा जाएगा। योग अर्थात कनेक्शन, संबंध या जोड़ है। सबसे पहले कनेक्शन शरीर से है, इसलिए माइंड बॉडी कहते हैं। दूसरा है अपने रिश्तेदारों से, तीसरा प्रकृति से, और चौथा है जगत नियंता निराकार परम पिता परमात्मा शिव के साथ। वो हमें प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से राजयोग सिखा रहे हैं, जिस योग से तन मन संबंधी सभी स्वस्थ रहते हैं, वह संसार सुख में बन जाता है। इस योग के लिए हमें एक विचार मन में करना होता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस एक संकल्प से वातावरण, वायुमंडल सभी सकारात्मक हो जाते हैं। वहीं एल्डरमैन रत्ना नारायण देव ने योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ओम शांति बोलने से मन शांत हो जाता है। वास्तव में हम इन सब बातों से दूर हो गए हैं, किंतु योग हमारी पुरानी परंपरा है। योग से ही लोग पहले दीर्घायु रहते थे। ब्रह्म कुमारी संस्था जनमानस को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अजय गोवर्धन ने कहा, योग जीवन पद्धति का हिस्सा है, योग शरीर को स्वस्थ रखता है। यह पुरानी पद्धति है, जिसे नए तरीके से लोगों के सामने पहुंचाया गया है। ब्रह्म कुमारी संस्था निश्चल भाव से कार्य करती रहती है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी रेणुका बहन ने भाई बहनों को योग एवं प्राणायाम कराया व इसके लाभ भी बताए। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा ने किया। तो आज के इस पूरे विश्व के यादगार दिवस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विशेष आनंद सरोवर में पधारे हमारे मुख्य अतिथि गण आदरणीय डॉक्टर अजय गोवर्धन जी, जो हमारे बाजू में बैठे हैं, और आदरणीय बहन रत्ना नारायण देव जी, और आदरणीय भ्राता मदन सोनी जी, जो अजय गोवर्धन जी के बाजू में हैं, और आदरणीय भ्राता विनोद जैन जी, और आदरणीय भ्राता किशोर जैन जी। हम आप सभी अतिथियों का विशेष आनंद सरोवर के प्रांगण में बहुत दिन से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आज का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा। योग एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। योग का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग विश्व भर में योगा अपना रहे हैं। योगा व्यक्ति को निरोग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हम सभी को योगा का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा करने का एक प्रेरणा देनी चाहिए और इसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और ये योग जो
है, हमारे पुरातन इतिहास में उठा के देखते हैं। विश्वविद्यालय ये एक संस्था नहीं है, एक परिवार है और आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है। हम अपनी भागम भाग वाली जिंदगी में अपनी मुस्कुराहट खो चुके हैं, तो ये परिवार वापिस सभी के चेहरे में मुस्कुराहट डालने का प्रयास कर रहा है, उनका प्रयास निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है और ये संभव है साधना से, योग से, योग से शरीर और साधना से मन। जब तक ये बराबर योग नहीं होगा उनका तो मुस्कुराहट वापस आए नहीं होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।